देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले द्रौपदी झारखंड की राज्यपाल के पद पर रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल कर ली है और अब वह भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही है। बता दें कि मुर्मू एक ऐसी राष्ट्रपति बन रही है जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपड़ बेड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। द्रौपदी के पिता और दादा दोनों ही पंचायत राज के तहत सरपंच थे। पढ़ाई की बात करें तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रामा देवी महिला विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा है। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर इसके बाद द्रौपदी राजनीति के क्षेत्र में आ गई। रायरंगपुर के प्रसिद्ध श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में द्रौपदी मुर्मू ने सहायक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, लेकिन कुछ समय तक सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद ही द्रौपदी मुर्मू ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में आ गई। यही वो समय था जब मुर्मू ने अपने जीवन में पहली बार सरकारी क्षेत्र में कामकाज के बारे में जानना शुरू कर दिया था। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इसके बाद जल्द ही मुर्मू को रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के पद पर सम्मानित किया गया। फिर साल 2000 में वो रायरंगपुर पंचायत की अध्यक्ष बनी। बस यही वो पल था जब भारतीय राजनीति में एक आदिवासी राजनेत्री ने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। फिर जल्द ही द्रौपदी मुर्मू को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नति कर दिया गया। इसके बाद मार्च 2000 से अगस्त 2002 तक मुर्मू ने ओडिशा में वाणिज्य और परिवहन के स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू ने इसके अलावा अगस्त 2002 से मई 2014 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास में भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल बनी थी और यह उनके जीवन व भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। इसके अलावा द्रौपदी ओडिशा राज्य की ऐसी पहली महिला आदिवासी नेता भी थी जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। निजी जिंदगी की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू नाम के एक बैंकर से हुई थी। मुर्मू के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सब कुछ सही चल रहा था। साल 2010 तक द्रौपदी मुर्मू अपना एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रही थी कि तभी अनहोनी ने उनका दरवाजा खटखटाया और उनके घर में मानो मौत का सैलाब आ गया। उन्होंने महज 4 सालों में अपने बेटे और पति सबको खो दिया। उस वक्त मुर्मू मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास में काम कर रही थी। फिर 18 मई 2015 को मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और 2021 तक उस पद पर रही। और अब 2022 में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन रही हैं। स्पाइस न्यूज़ भारत, हर खबर आप तक।